मक्खन डल रहा है जी, वो भी सफेद वाला आ रहा है। मक्खन मक्खन और ज्यादा मक्खन। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं अभी वाशी में हूँ, सेक्टर 19 सी में, और यहाँ पर मैंने सुना है साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है। आउटलेट है आयर मामा करके, वहाँ मैं जा रहा हूँ। लगभग 5 मिनट और लगेंगे, फिर वहाँ जाके देखेंगे साउथ इंडियन कैसा मिलता है। सेक्टर 19 सी आपको पता होगा, यहाँ पर ट्रक टर्मिनल है, APMC मार्केट के थोड़ा सा आगे जाके है। थोड़ा सा सीधा चल के गया मैं, ये सामने आयर मामा है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस हेयर। और देखो कितना वास्ट वेराइटी ऑफ मेनू है साउथ इंडियन का, अलग तरह के उत्तप्पे डोसे। मैंने ना प्लेन वेनाई डोसा मंगाया, मैंने ना यहाँ पर एक प्लेन वेनाई डोसा ऑर्डर किया है। किचन में के उनको अलाउ किया है उन्होंने, मुझे मैंने पूछा मैं देख सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला आप देख सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार वेनाई डोसा कैसे बनता है। पहले तवे को साफ कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म है जिस पे डोसा बनेगा उस पे छींटे मारे हैं पानी के, इसे अच्छे से साफ कर रहे हैं। इसे नॉन स्टिक बनाया जा रहा है। अब इसमें बैटर डल रहा है, और बैटर एकदम गाढ़ा है वेनाई डोसा का, जो नॉर्मल बैटर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे ये। वेनाई डोसा का बैटर वही रहता है क्या नॉर्मल वाला, दूसरा कुछ डालता है उसमें? बेनी डोसा का जो बैटर होता है नॉर्मल डोसे के बैटर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें दाल राइस और कुरमुरा जो होता है ना चावल का वो डलता है पीस के। और इतना सारा मक्खन ये किसमें डल रहा है? ओके, वेनाई डोसा मतलब बेनी डोसा जो होता है ये कर्नाटक का होता है, इसमें बटर वाइट बटर डलता है प्योर वाला, ऐसा मैंने पढ़ा है, तो मुझे वही लग रहा है। और बटर बहुत सारा डाला है इन्होंने इसमें, तो आज तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और नॉर्मल जो मसाला डोसा होता है थोड़ा पतला बनता है रवा मसाला, ये वाला जो डोसा है ना थोड़ा सा मोटा है। तो आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें बटर स्प्रेड किया जा रहा है खस्ता करने के लिए। कितना बटर जाता है इसके अंदर? 40 ग्राम। 40 ग्राम बटर काफ़ी होता है वैसे। अब ये तो और भी डालेंगे मुझे लग रहा है, देखो और डाल रहे हैं बटर। 40 ग्राम बोल के थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। ये वो आपका खुद का बनाया बटर है? अमूल का वाइट बटर है। अच्छा अच्छा ओके ओके, मतलब प्योर बटर है ना? अमूल का भी नहीं, स्पेशल बटर है ये, अपना पैसे डलवाते हैं स्पेशल वाइट। मैंने डोसा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, एकदम प्योर बटर बोल रहे हैं, वाइट बटर है। एक चीज़ मैंने और देखा है, यहाँ पर ना सब हाइजीनिकली रखा हुआ है। ये चटनी का ढक्कन अभी खोले हैं, बाकी सब अभी प्लेट भी देखो उन्होंने पोछी है, मतलब सब क्लिनिनेस बहुत ज़्यादा, हाइजीन बहुत मेंटेन कर रखा है। और चटनी का ढक्कन अभी खोले हैं, और डोसा भी सीख के रेडी हो गया है। तो अभी प्लेट लग रही है, ये वेनाई डोसा मतलब वेनाई डोसा, और साथ में सांभर मिलेगा, और सांभर की खुशबू मतलब खोलते ही आई। भैया चटनी जाना ज़्यादा डालना, थोड़ी लाल वाली मुझे बहुत पसंद है, तो लाल वाली चटनी हाँ इतनी बहुत है अभी। ऊपर से भी डलता है? अरे भाई ये तो और बटर पेल रहे हैं ऊपर वाइट वाला। अब देखो 40 ग्राम बोल के 60-70 ग्राम बटर हो गया है, और प्लेट लग गई है, बेने डोसा रेडी है, और मुँह में पानी आ जा रहा है। डोसा का जो क्रस्ट है काफ़ी अच्छे से सेका है, क्रिस्पी लग रहा है, ऊपर से सॉफ्ट होगा और नीचे से क्रिस्पी। गाढ़ी गाढ़ी नारियल की चटनी, राई हींग के छोंक की, और ये देखो लाल चटनी, इसकी तो बात ही कुछ और है। और ये सांभर गाढ़ा है एकदम, कड़ी पत्ता टमाटर दिख रहा है इसमें। और ये मैंने डोसा तोड़ लिया है, फीलिंग अलग सी आ रही है, नॉर्मल डोसे से डिफरेंट है। और ये मक्खन में डुबा के खाऊंगा। नॉर्मली मैं ना पहले सांभर टेस्ट करता हूँ, बट बटर देख के रानी का, तो मैं बटर लगा के पहले डोसा ट्राई करूँ। आजकल वाइट बटर बहुत कम मिलता है, यहाँ पर इन लोगों ने वाइट बटर दे रहे हैं, दूसरी जगह आउटलेट्स पे वाइट बटर नहीं मिलता। मैं और जगह खाया है, तो यहाँ पर वाइट बटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, और डोसा भी एकदम क्रिस्पी है, मतलब फोका है। मतलब दोबारा बात कर लेते हैं सांभर की। सांभर अगर अच्छा हो ना तो रेस्टोरेंट समझ लो अच्छा है। तो सांभर बड़ा गाढ़ा सा लग रहा है, और वाकई सांभर का टेस्ट अच्छा है, गाढ़ा है सांभर, और इसके अंदर मतलब कड़ी पत्ता भी कभी अच्छा टेस्ट आ रहा है, राई का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, हींग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सांभर का मेन इंग्रेडिएंट रहता है हींग, वो बहुत अच्छा डाला है इसके अंदर। मीठा थोड़ा कम है तो दूसरे सांभर में रहता है, बट मुझे यहाँ का सांभर अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक साउथ इंडियन सांभर है, अच्छा लग रहा है सांभर मुझे, थोड़ा स्पाइसी भी है। मुझे लाल चटनी हमेशा व्हाइट वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें तड़कते भड़कते फ्लेवर होते हैं मिर्च की, हाय हाय मज़ा आ गया। ऑनियन चटनी बहुत अच्छा टेस्ट है ऑनियन का, राइट ऑनियंस को इमली के साथ और कोकोनट और दो तीन कई चीज़ों के साथ इसको पीसा है, और स्पाइसी काफ़ी है, रेड चिलीज का अच्छा टेस्ट आ रहा है,
तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, तो ये डोसा प्लेन ले रहे हैं ना, तो रेड चटनी के साथ अमेजिंग लगेगा। मसाला डोसा के साथ कोकोनट चटनी अच्छा लगता है, बट इसके साथ रेड चटनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये प्लेन डोसा है और ऊपर बटर डाला हुआ है। व्हाइट वाली नारियल की चटनी में भी उड़द की दाल फ्राई करके डालिए राई हींग के साथ। नारियल चटनी ट्राई कर रहा हूँ। नारियल चटनी में नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा गाढ़ी है नारियल की चटनी। सौंफ भी डाला हुआ है, हींग कड़ी पत्ते राई का, तो नारियल की चटनी भी अमेजिंग लग रही है। अब डोसा के साथ तीनों ट्राई करके देखता हूँ। वैसे तो ना डोसा बटर के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट सांभर ला के इसमें जो फ्लेवर है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया है, तो और अच्छा लग रहा है। लाल चटनी तो भर भर के खाऊंगा बस। रेड चटनी के साथ डोसा, अगर आपको है ना रेड चटनी खानी है ना औसम वाशी में, तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। रेड चटनी तो लाजवाब है यहाँ की, और जगह भी मैंने खाई है, वो लोग थोड़ी पतली कर देते हैं, इनकी गाढ़ी है रेड चटनी और उसका फ्लेवर है ना स्पाइसीनेस बहुत अमेजिंग आ रहा है बहुत। ये है नारियल की मेन वाली कोकोनट चटनी, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ भी बोलो, बटर ने ना चार चांद लगा दिए डोसे में। बटर के बिना ये असंभव था डोसा, मतलब प्लेन डोसा ये अच्छा भी लगता था, बटर के साथ ना इनका तो बटर की क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब रिकमेंड करूँगा यहाँ के एक डोसा ट्राई करके। डोसा है ना 105 रुपये का है, लेकिन वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। बटर जितना क्वांटिटी में डाला है ना, 40 ग्राम बोल के उन्होंने 50 या 60 ग्राम डाल दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बटर सेकने में भी बटर डाला है और ऊपर से भी बटर डाला है, तो एडिशनल मज़ा आ गया। बात करते हैं बेने डोसा की, लो भाई कितना करा रहा है। ऊपर से सॉफ्ट है, एक साइड से सेका है इसको, जैसे नॉर्मल डोसा सीखता है, ऊपर से वाइट है और नीचे से क्रिस्पी और क्रंची है, तो उसको खाने में मज़ा आ रहा है और बटर टपक रहा है इसमें। मैंने यहाँ पर घी पोड़ी इडली लिया है, देखते हैं वो कैसा रहता है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा आइटम लिया है घी पोड़ी इडली। पोड़ी इडली तो मतलब ये जो देखो ना, बाउल में पोड़ी पाउडर होता है एक साउथ इंडियन, वो डाला है और बहुत सारा घी है उसमें मिक्स करा जा रहा है पोड़ी मसाला को, जो पोड़ी पाउडर होता है। अब इसमें ना स्टीमर से गरम गरम इडली निकल रही है और इसके अंदर जाएगी। पहले इन्होंने एक इडली डाली है, उसमें मसाला लपेट रहे हैं रेड वाला, वो जो घी में पोड़ी मसाला डाला है। सांभर से हाँ थोड़ा थोड़ा ही देना, सांभर सांभर के बिना अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा सांभर नहीं होता इसके साथ, इसके साथ तो रहने दो, फिर मत दो, मैं मत दो फिर। ये घी पोड़ी इडली लग गई है प्लेट, तो मैंने सांभर मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला आप बिना सांभर के खा के देखोगे इसमें मसाला बहुत होता है, तो सांभर ले भी सकते हैं इसके साथ, मैंने ऑप्ट किया नहीं लूँ। और ये है नारियल की चटनी के साथ। यार इसका टेस्ट नॉर्मल इडली से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर घी डाला है ना और घी के ऊपर पोड़ी मसाला है, पोड़ी मसाला हल्का सा स्पाइसी है, लेकिन टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। नॉर्मली मैं घी डाल के इडली नहीं खाता हूँ या बटर डाल के डायरेक्ट फ्राइड इडली खाता हूँ, बट इसमें मसाले में जो पावर है ना, मैजिक कर दिया उसने घी के साथ मिक्स होके, लपेट के जो मसाला है स्टीम इडली में लग रहा है ना, बहुत मैजिकल है, बहुत ज़बरदस्त है। इडली है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, जो इडली एक अच्छी इडली होती है ना वो लग रही है, और उसके ऊपर जो घी है, घी भी प्योर है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें जो पोड़ी मसाला है ना, पोड़ी मसाला में है ना, मसाला में उड़द की दाल पिसी हुई है और लाल मिर्च है, जो भी पोड़ी मसाला में डलता है, धनिया है, राई है, बहुत सारे मसाले पिसे हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे सारे मसाले नहीं पता, कुछ कुछ पता है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है घी के साथ, बहुत ही अच्छा, बिना चटनी के भी अच्छी लग रही है। ये वाली इडली है ना सांभर की ज़रूरत नहीं है इसके साथ खाने की, चटनी के साथ अमेजिंग लगेगी ये। ये वाली है ना वाइट नारियल की चटनी के साथ अच्छी लगी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लाल मसाले हैं मिर्च वाले, तो लाल चटनी के साथ ना खाओ इसे या सांभर के साथ, वाइट के साथ मस्त है। पोड़ी इडली भी अच्छी होती है, बट घी पोड़ी इडली का टेस्ट ज़्यादा बेटर है, तो घी डलवा के ही खाना। अच्छा यहाँ पर आप खाओगे तो कुछ स्कीम्स भी हैं, देखो ना बीसी बेले राइस, पोंगल, कर्ड राइस, लेमन राइस, एनी 3 for 200, एनी 2 for 150, और दे सर फिल्टर कॉफी ऑल्सो। कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? सुबह 8 से रात के 10 बजे तक, और सुबह के टाइम गर्दी बहुत रहता रहेगा। सराउंडिंग एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ ट्रक्स खड़े हैं, तो ट्रक टर्मिनल है ना, APMC मार्केट है। प्लेन वेनई डोसा बटर वाला मंगाया था और एक घी पोड़ी इडली मंगाया था, तो 205 मेरा बिल आया, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रीजनेबल है और अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है यहाँ पर। सजेस्ट करूँगा सब लोग यहाँ पर आए और खाएं, ये बहुत अच्छा साउथ इंडियन है, वाशी में बेस्ट साउथ इंडियन खाना मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा मैंने खा के देखा है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बाजू में शालीमार रेस्टोरेंट है, या अपोलो टायर्स आशुराज करके ये है, तो ये लैंडमार्क्स है यहाँ पर, और ये चौराहा है, बीच में से आपको टर्न लेके यहाँ आना। गाइज मैं सच्ची बोलूँ बहुत मज़ा आ गया खा के, मतलब है ना ऐसा डोसा है ना वेनई डोसा, मैंने ना रिव्यूज़ पढ़ा था, यहाँ पर जाओगे तो फिल्टर कॉफ़ी और वेनई डोसा ज़रूर ट्राई करना है,
मैंने वेनाई डोसा ट्राई किया, लेकिन फिल्टर कॉफ़ी अभी दिन का टाइम है तो सुबह सुबह कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। मैं लंच टाइम पे गया हूँ क्योंकि मैं पहले एक बार इस एरिया से जा रहा था ना, तो मैं देखा था सुबह के टाइम बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। अभी गर्दी कम थी क्योंकि दिन का टाइम है और जोमेटो स्विगी से बहुत सारे ऑर्डर आते हैं यहाँ पर। मैंने खुद मंगाया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाइजीनिक है कि नहीं, तो हाइजीनिक भी अच्छा लगा मुझे। अगर ये क्वालिटी का सांभर चटनी होता है ना, ये जो अपना माटुंगा एरिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर ये क्वालिटी का सांभर चटनी मिलता है अच्छा वाला। वहाँ से मैंने अब तक बहुत जगह खाया बट वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पर वो टेस्ट है। अभी ये नया शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट है यहाँ पर। देसी घी और बटर का स्वाद था ना, वो भी एकदम प्योर वाला था। ट्राई दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।